नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। नेपाल बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष चौकसी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने दी जानकारी। तहसील बांसगांव के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। 99 में से 3 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निस्तारण की गुणवत्ता की जांच। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला बाइक जुलूस। 6 फरवरी से होने वाले महाहड़ताल में शामिल होने की अपील। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद को सुनकर समस्याओं का किया गया निस्तारण। 6 रोग मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा जागरूकता कार्यशाला का महापौर और जिला 6 रोग अधिकारी ने किया उद्घाटन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने निकाला मशाल जलूस। 12 को मोटरसाइकिल रैली तथा 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ की दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी के ऊपर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर किए गए अभद्र टिप्पणी का युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का दिया तहरीर। छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। किया पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग। ओबीसी कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण सहित 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। चौरी चौरा शहादत दिवस पर अमर बलिदानी भगवान अहिर व शहीद भगत सिंह को किया गया याद। भगवान अहिर के प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि किया अर्पित। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और मौसम ने बदली करवट, पश्चिमी विक्षोभ के कारण के सर्द हुआ वातावरण। राहगीरों को भी कुछ दिक्कतें, किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर पुलिस महकमा अपनी तैयारियों में जुट गया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़े गोरखपुर जोन के 7 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 7 जिलों के अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। एडीजी ने बताया कि सभी अधिकारियों को सूचनाएं इकट्ठा करने के साथ बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी 7 जिलों के पुलिस कप्तानों सहित नेपाल पुलिस के साथ करके आपसी सामंजस्य बनाई जाएगी, जिससे चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी दवा शेरपा ने बताया। सर, लोकसभा चुनाव देखते हुए बॉर्डर पे अलर्ट किया गया, इसमें आप क्या निर्देश हैं? इसमें कुल 7 जिले आते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और इस जोन के 5 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अभी हमने उन सभी जिलों को निर्देश भेजा है कि सबसे पहले तो कुछ प्रमुख बिंदु पर सूचना एकत्रित करें, क्योंकि चुनाव के समय में जो बॉर्डर की व्यवस्था है उसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ किया जाना रहता है। जैसे कई जगह बैरियर लगेंगे, कई जगह उनके तरफ से कुछ व्यवस्थाएं रहेगी, कई जगह हम अपनी तरफ से करेंगे, तो एक समन्वय कराना जरूरी है। तो अभी इन सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों और SSB, ये तीनों की संयुक्त मीटिंग कराएंगे। मीटिंग से पहले दोनों अपनी तरफ से कागजी जो तैयारी है कि कितने बैरियर लगते रहे हैं, कहाँ लगते रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत रही है, इसकी ये सूचना तैयार करके शीघ्र ही मैं ये त्रिपक्षीय मीटिंग करूँगा, जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ में हम SSB से क्या अपेक्षाएँ रखते हैं,
या नेपाल पुलिस के किस तरह के सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं उनके सामने रखेंगे और हम सहयोग के लिए अपील करेंगे। नेपाल पुलिस से कोई लेके वार्ता? अभी चुनाव को एसएस लेके वार्ता नहीं हुई है। बॉर्डर के जिले समय समय पर आपराधिक मामलों में या अन्य प्रकार के लॉ ऑर्डर के मामले में आपस में मीटिंग रूटीन में करते रहते हैं, लेकिन अब चुनाव को लेकर इसमें विशेष फोकस चुनाव के बारे में रहेगा। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील बांसगांव के सभागार में किया गया। समाधान दिवस में डीएम ने निर्देश दिया कि समाधान दिवस में प्राप्त होने वाले समस्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित हो तथा तहसील समाधान दिवस की समाप्ति के पश्चात आगामी सप्ताह में सभी SDM प्रत्येक संदर्भों पर गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु कार्य करें। समाधान दिवस के दौरान मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बांसगांव तहसील में पहुंचकर तहसील समाधान दिवस में मामलों के निस्तारण की गुणवत्ता की जाँच की और शिकायतों के गुणवत्ता परक निस्तारण पर बल दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायतों को संवेदनशील होकर सुने तथा उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। समाधान दिवस में कुल 99 मामले आए, जिसमें 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करें। इस मौके पर SSP डॉ. सुनील गुप्ता, CDO अनुज सिंह, SDM बांसगांव सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 6 फरवरी से महा हड़ताल का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव ने हड़ताल पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर जाने के जिद पर अड़े हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के कार्यकर्ताओं ने PWD कार्यालय से एक मशाल जुलूस निकाला और महानगर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग की तथा 6 फरवरी से होने वाले हड़ताल की सफलता के लिए कर्मचारियों से अपील भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक मुद्दा के लिए सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली यानी बढ़ोतरी करने वाला जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है और इसीलिए हम जंग पर जा रहे हैं। कल से हमारी हड़ताल होगी। आज विभिन्न मोटरसाइकिल जुलूसों के माध्यम से विभिन्न कार्यालय जाकर कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पर हड़ताल होगी, तालाबंदी होगा, चाहे सरकार हमको पिटवा दे, हमको जेल ले जाए, हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। अब वो अपना काम करे, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री जी, मैं अपना काम करूंगा। हमको तो यही पिटवा दे, मैं तैयार हूँ पिटने के लिए। इसीलिए मैं आप सबको जागरण कर रहा हूँ भैया, ये हमारा राइट है लोकतंत्र में अपने अधिकार मानने का। हड़ताल 6 से 12 तक काटी रहेगी और उसके बाद 12 से कोई अनिश्चितकालीन निर्णय आगरा के लिए लिया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में तथा सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च के सहयोग से संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी, ACMO डॉक्टर IV विश्वकर्मा, डॉक्टर शालिनी रमन, डॉक्टर नंद कुमार, रंजना द्विवेदी, डॉक्टर NK पांडे सहित अन्य अधिकारी और मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाए जाने तथा मीडिया के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को जनता तक पहुँचाने जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर SK तिवारी ने कहा,
आज इस स्वास्थ्य संचार स्वास्थ्य संबंधित जितने भी सेवाएं दे रहे हैं, क्या लोगों को मिल रहा है, क्या लाभ कहाँ उपलब्ध है, ये मीडिया से बेहतर जनमानस तक नीचे स्तर तक कोई भी नहीं पहुंचा सकता। और आज हमारे बीच हमारे प्रॉनिक मीडिया तक सभी जो हेड हैं वो भी हमारे बीच बैठे हैं और हमारे जो कार्यक्रम है वो ले रहे हैं, कई स्कीमें चल रही है, उसकी जानकारी, उस लाभ की जानकारी वो मीडिया बहुत बड़ा भी कार्य कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचे। बहुत सी सुविधाएं जो हमारे पास है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित, लाभार्थी ना आ पाए तो उसी तरह है जैसे दुकान सजा के रखे हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है और इस जागरूकता को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जो हम लोग पहुंचाते हैं, इसमें एक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जन जन तक अखबार पहुंचता है, हमारा चैनल पहुंचता है, हमारा न्यूज पहुंचता है और इसी को सोच करके हम CFR जो हमारे सहयोगी इकाई है जो गोरखपुर में हम लोग के साथ काम कर रही है और उनका उद्देश्य भी है कि वे हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों तक जाएं, लोगों तक पहुंचाएं और एक कार्य शुरू भी हो गया है और बहुत ही सकारात्मक इसका परिणाम भी मिल रहा है। सभी मीडिया के भाई बंधु हैं, वे इन खबरों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यशाला हम लोगों ने किया है जिसमें आपका प्रतिभाग सबसे ज़रूरी था क्योंकि जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो TB का हो, चाहे वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का हो, चाहे वो हमारे इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम जैसे MR कैंपेन की टाइप का वो हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनके सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी विशेष रूप से जो हमने पॉजिटिव किया है और हम आगे क्या पॉजिटिव और करने की प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये वित्तीय वर्ष अब समाप्त हो रहा तो उसी के बारे में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमने उन विशेषज्ञ लोगों को या ये कह लीजिए उन नोडल ऑफिसर्स को बुलाया है जो हमारे नोडल ऑफिसर एक एक प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि वो डीपली उस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। वो अपना थोड़ा 10-10 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देंगे और प्रेजेंटेशन के बाद उनसे कोई क्वेश्चनर हो, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग पूछना चाहें तो उसका भी वो आंसर करेंगे। उस एक सेंसिटाइजेशन है आपके माध्यम से पब्लिक में जाए कि हम अगले वित्तीय वर्ष में भी वही करना चाह रहे हैं बल्कि उससे अच्छा करना चाह रहे हैं, जैसे कि AEJS में मौतों की संख्या 75% डाउन हो गई, बीमारी की संख्या 75% डाउन हो गई और कहीं भी मलेरिया, काला आजार, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं फैलने पाया, तो हम उसकी प्रिपरेटरी ये एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं। जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन SDM सदर प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में किया गया जिसमें SDM सदर ने फरियादियों की फरियाद को सुनकर उसका समाधान किया गया। इस मौके पर तहसील सदर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस पर आए समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए SDM सदर ने उसके निस्तारण के निर्देश दिए और कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, शेष मामलों को 15 दिन के भीतर निस्तारण करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ठीक से कराइए आप लोग, कैसे कर रहे हैं? 240 मार्क का इसमें लगा रहा है, ये ऑर्डर लगी हुई है सीधे सीधे। जी सर, नहीं उसमें GDA का जो पैसा जमा किया है ये लिख रहा है कि 3870 वर्ग मीटर भी ये परिवार को आवंटित करे उसमें कोई दंडात्मक ब्याज वसूल ना हो। बाबू वगैरह कुछ नहीं, ये गलत बात है, बाबू जो चाहेगा वही करेगा। नहीं सचिव साहब से हम कहें नहीं सर, इसको करा के आप बताएंगे उसको। बाबा फोन नंबर है आपका? फोन नंबर है ना? नहीं आप जाइएगा, उन लोगों को बताइए उसमें क्या हुआ, सचिव साहब से मिलिए सीधा और ये इनको मार। अरे भैया मिलते मिलते Thank you.
कहाँ से आए हैं? वीडियो बैठा जनता को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन हॉल में मंगलवार को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा क्षय रोग मुक्त भारत लक्ष्य के अनुरूप कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्षदगढ़ वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स की कंट्री डायरेक्टर प्रचारी प्राची शुक्ला, जिले क्षय रोग अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में क्षय रोग विषय पर विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित सभी पार्षदगढ़ एवं नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी दी गई। यह कार्यशाला में क्षय रोग के विषय पर समय से उपचार करने हेतु अपने अपने तरह से जागरूक किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वय धर्मवीर, जिला PPM कोऑर्डिनेटर अभय मिश्रा, नवीन अग्रवाल, चंद्रशेखर जोशी, डॉक्टर विराट आदि उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इस सदन पूरे भारत में 70,000 से 80,000 के बीच में पूरे साल का है। भीड़ लगाने की लोग जांच नहीं कराते, बाहर जाके दवा ले लेते हैं और किसी अनुथाई डॉक्टर या झोला छाप से मिल के कुछ और विधि में काम करते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट का स्टार्ट नहीं है। जो हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को हमारे यहाँ जो चल रहे हैं ठीक ऐसे पेशेंट, और उसको हम लोग मॉडिफाइड भी कर रहे हैं, जैसे पूरे देश में हम लोग का मॉडिफाइड भी है, रजिस्टर भी है, ऐसे पेशेंट जो होता है पाया जाता है उसको क्लिनिक 500 रुपये क्लिनिक के माध्यम से हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। आप लोग जानेंगे तो उसका लक्षण क्या हो सकते हैं, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा, फीवर 2 हफ्ते से ज़्यादा, वेट लॉस लगातार उसका वेट महीने में गिरता रह रहा है, और चेस्ट पेन रेडियोलॉजी जो एक्सरे में अगर उसका आता है तो उसको टीबी का पेशेंट मान सकते हैं। एवं जिला क्षय रोग विभाग की तरफ से जिला क्षय रोग अधिकारी सर, उप जिला क्षय रोग अधिकारी सर की तरफ से एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया की तरफ से हम सभी सम्मानित पार्षदजनों को आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, जिला क्षय रोग अधिकारी गोरखपुर। आयोजन जो है नगर पालिका में अपने महापौर महोदय, पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी को टीबी के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए किया गया है, क्योंकि यह टीबी रोग जो है एक जन स्वास्थ्य से संबंधित पूरी समाज की समस्या है, और जब तक हम इसको प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक जो है अपने देश प्रदेश से, जिला से टीबी को मुक्त किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह टीबी जो है
सामान्यतः छींकने खांसने से जो टीबी का रोगी होता है, यदि छींकता है खांसता है तो उसके करीब जो भी व्यक्ति बैठते हैं उससे टीबी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसको जन जागरूक करना हमारा अति आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए हर विभाग में हम जो है जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को इसके बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इससे से ज़्यादा हमारे केस टीबी के डिटेक्ट हो सकें और उनका समय से इलाज किया जा सके। देखिए आज टीबी पर सरकार के तरफ से डॉक्टर ने कार्यशाला का चलाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश से पूरी तरह से टीबी का उन्मूलन। ये बड़ी विडम्बना है कि इतने संसाधन रहने के बाद भी जागरूकता के अभाव में 400,000 लोग प्रतिवर्ष टीबी से मरते हैं। संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी सरकार ने एक अभियान चलाकर इसको समाप्त करने की योजना बनाई है, उसी के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में टीबी के बचाव और टीबी के इलाज के बारे में पूरी जानकारी हमारे सभी अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों एवं पार्षदों की उपस्थिति में दी गई है। और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि जरा सा भी टीबी का संदेह हो तो सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां उन्हें मुफ्त में दवा दी जाएगी तब तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से उनको सहयोग राशि भी खाने पीने के लिए मुहैया करा रही है। इसके तहत 27,00,000 रुपया 6 महीने के अंदर टीबी मरीजों को बांटे गए हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। देश को स्वस्थ सुंदर और मजबूत रखना है तो सफाई और बीमारी पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के तरह सरकार के तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ चलाए गए फिर भी पूरे ज़िले में हमारे एक वैन भी है जिसमें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और टीबी के बचाव के लिए उनके लक्षण के लिए पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं आम जनता से पुनः अपील करता हूं कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और टीबी से गोरखपुर शहर पूरे ज़िले को मुक्ति दिलाएं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तहसील सदर कार्यालय के समक्ष मशाल जुलूस निकाला और हरिओम नगर तिराहा अंबेडकर चौक होते हुए शास्त्री चौक पर पहुंचे। जुलूस के संबंध में लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज ने बताया कि यह आंदोलन का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम 12 फरवरी को मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे और 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में पुनी संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज ने कहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
राजेश कुमार पंकज, तहसील अध्यक्ष, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर। 16 जुलाई को कार्यवृत्ति पर हस्ताक्षर हुआ था, माननीय मुख्य सचिव द्वारा कार्यवृत्ति पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस दौरान हमारा एक समझौता हुआ था कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन विगत 8 महीना हो गया, सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी, इसलिए विवश होकर के हमको आंदोलन होना पड़ रहा है। यह आंदोलन अभी तो हमारा आज प्रथम चरण में है, द्वितीय चरण में हम 12 फरवरी को मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे और 19 फरवरी को हम बुद्धि शुद्धि योग करेंगे। इसके बाद भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने को हम बाध्य हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी पर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर अमर्यादित अश्लील टिप्पणी किए जाने पर आक्रोशित यूथ कांग्रेस गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी एवं जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में कैंट थाना गोरखपुर में मुकदमा दर्ज करने एवं उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग किया। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी, राजेंद्र यादव, प्रवीण पासवान, सुमित पांडे, अमित शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष ओझा सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी ने कहा, हाँ भैया, तो हम बिना वर्दी में लेंगे तो उन लोगों का काम कैसे बनेगा? सब चीज को प्रकाशित करना, आप देखिए सर, आप ये ग्राम अनुजी साहब, आप भी कांग्रेसी हो गए तो उसमें लगाए हैं। श्री प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी, अश्लील बातों की जिक्र किया है जो फेसबुक में, आप इसको पूरी जो है प्रतिलिपि जो है सामने उनके आईडी से ये लिखा हुआ है कि वो लीडर और एक सनातन महर्षि संत ये जो है सेवा संस्थान न्यू दिल्ली के डिटेल इनकी पूरी है। ये कहाँ के हैं? न्यू दिल्ली में इनका निवास स्थान बलरामपुर में रहने वाले हैं। वर्तमान दिखा रहा न्यू दिल्ली में। अच्छा, और कुछ पे फेसबुक पे उन्होंने कमेंट। बादल चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश। आज हम यूथ कांग्रेस के साथी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रियंका गांधी के ऊपर रमा राम सूरज शुक्ला नामक व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसको यूथ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम आज यूथ कांग्रेस के साथी कैंट थाना में आए थे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और ये भी कार्रवाई करने की मांग की है कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे यूथ कांग्रेस बहुत आहत है। मैं बताना चाहता हूँ, यूथ कांग्रेस के साथी अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों के छात्र प्रतिपूर्ति के साथ पिछली कक्षा में 65% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष गवीश दुबे के नेतृत्व में छात्रों ने कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग की। इस दौरान आशुतोष तिवारी, राहुल यादव, सत्येंद्र यादव, हिमांशु राम त्रिपाठी, पवन कुमार पांडे, शिव को शंकर गौड़, विपुल राय, अभय उपाध्याय आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष गवीश दुबे ने कहा, गवीश दुबे नाम है, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हूँ। ये मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों में छात्रों के छात्र प्रतिपूर्ति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। छात्रों को ये बांधा गया है कि आप 65% नंबर पाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, 55% नंबर पाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा गोरखपुर के नौजवान आज सड़क पर उतरा है। कमिश्नर महोदय के माध्यम से कुलाधिपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देने का काम आज कर रहे हैं। अगर छात्र प्रतिपूर्ति की जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल नहीं किया गया तो समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे और जब तक वो बहाल नहीं होगा तब तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। नेपाल बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष चौकसी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने दी जानकारी। तहसील बांसगांव के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। 99 में से 3 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निस्तारण की गुणवत्ता की जांच। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला बाइक जुलूस। 6 फरवरी से होने वाले महाहड़ताल में शामिल होने की अपील। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। सदर तहसील सभागार में SDM सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद को सुनकर समस्याओं का किया गया निस्तारण। 6 रोग मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा जागरूकता कार्यशाला का महापौर और जिला 6 रोग अधिकारी ने किया उद्घाटन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने निकाला मशाल जुलूस। 12 को मोटरसाइकिल रैली तथा 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ की दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी के ऊपर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर किए गए अभद्र टिप्पणी का युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का दिया तहरीर। छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। किया पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग। OBC कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण सहित 2 सूत्रीय मांग को लेकर NSUI के छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। डिप्टी CM को प्रेषित किया ज्ञापन। चौरी चौरा शहादत दिवस पर अमर बलिदानी भगवान अहिर व शहीद भगत सिंह को किया गया याद। भगवान अहिर के प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि किया अर्पित। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण के सर्द हुआ वातावरण। राहगीरों को हुई कुछ दिक्कतें। किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर ICU, NICU और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर।
हेल्पलाइन नंबर 770-690-0002-8। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा संस्थानों सहित तमाम विश्वविद्यालय में ओबीसी कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति को लेकर स्पष्ट वेबसाइट की नियमावली पोर्टल पर शासन द्वारा नहीं दिए जाने सहित दो सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों ने आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डिप्टी सीएम को प्रेषित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष मनीष ओझा ने बताया। मंडलायुक्त कार्यालय पे उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद शर्मा जी को दो सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं मंडलायुक्त कार्यालय के माध्यम से। हमारी ये मांगे हैं, जो हमारे ओबीसी संवर्ग के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, ट्रिपल एम के गोरखपुर विश्वविद्यालय के और उच्च शिक्षण संस्थानों में जितने शिक्षण का कार्य कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, उन लोगों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है। जो ये नया नियम लागू हुआ है प्रदेश में, ये नियम को तत्काल बदला जाए। पहले की प्रणाली थी छात्रवृत्ति की, उसको लागू की जाए तत्काल। ये जो 65% के मानक बना दिया गया ओबीसी संवर्ग के लिए, ये
कहीं से भी उचित नहीं है। इसको तत्काल पुरानी जितनी पुरानी जो छात्रवृत्ति की प्रणाली थी उसको लागू किया जाए, जिससे हमारे ओबीसी संवर्ग के जितने भाई एवं बहन हैं जो छात्रवृत्ति पाने से वंचित हैं उनको उस लाभान्वित हों वो। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग धरने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन गोरखपुर की होगी। धन्यवाद। महानगर के बेतिहाता स्थित भगत सिंह चौराहे पर मंगलवार की शाम चौरी चौरा कांड के महानायक भगवान अहिर यादव को हिंदू चेतना मंच व आज़ाद हिंद चेतना मंच के सदस्यों ने दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। आज़ाद हिंद चेतना मंच व हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने भगत सिंह की प्रतिमा की साफ सफाई करने के पश्चात भगवान अहिर का प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उसके पश्चात दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया और मंगलवार को भगत सिंह के क्रांतिकारी रूप का जन्मदिन माल्यार्पण करके मनाया। इस दौरान कंचन हिंदू, रितु सिंह हिंदू, सीमा हिंदू, सुधीर कुमार दुबे, नर्मदा श्रीवास्तव, देवनाथ आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, आज के दिन ही चौरी चौरा जब कांड हुआ था उसके महानायक भगवान अहिर थे। आज के दिन अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी और उसी से आक्रोशित होकर वहाँ की जनता उद्वेलित हुई और चौरी चौरा का थाना फूंक दिया। और आज के ही दिन जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि अहिंसा रूपी ये रहेगा, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, वहीं से देश को आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये ऐसा संभव नहीं, और उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और आज के ही दिन एक नए जीवन की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, उन्होंने सेना बनाई, हमारे देश को आज़ादी में उनकी महती भूमिका है। आज के दिन सबसे विश्व का सबसे लंबा तिरंगा चेतना युवा मंच जो है चेतना मंच द्वारा ये पूरी हिंदू चेतना मंच द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी शहीदों को विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए आज का दिन ऐसा है कि पूरी दुनिया में संभवतः हमें नहीं लगता कि कोई भगवान अहिर को याद करता होगा। और इससे पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन कौन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने में अपने को शहीद हुए। ऐसे मैं हिंदू चेतना मंच विश्व का सबसे लंबा तिरंगा और सभी गणमान्य लोगों का आभार भी व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे बढ़ते रहो, विश्व आपके इस कदम का इंतजार कर रहा है और हमारे सैनिकों का पूरी याद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी आभार कि अपने चैनल के माध्यम से इसे आप अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग जानेंगे कि हाँ ये भगवान अहिर कौन थे और उन्होंने क्या बलिदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजघाट थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक आत्महत्या के संबंध में मंगलवार को समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर अजीत कुमार सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी ने बताया कि साहबगंज के एक व्यापारी ने सूदखोरी और कर्ज से तंग आकर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, जिस संबंध में हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार से बचे हुए एक बच्चे के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी ने कहा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर नहीं मदद होगी तो फिर कर्जा लेगा, कहीं फिर डूबेगा, अकेले परिवार में बचा उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप
मुख्यमंत्री जी से मांगे कि उसकी नौकरी दे सरकारी 15 लाख। हमारा ग्रही जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। हम लोग बीते 3 फरवरी को जो व्यापारिक हमारा वो जो आदमी था वह परिवार के साथ खुदकुशी कर ली, आर्थिक तंगी के नाते आत्महत्या कर लिया। उस परिवार में एक बालक बचा हुआ है जिसकी उम्र 22-23 साल है, वह बालिक है। और हम लोग व्यापार सभा समाजवादी व्यापार सभा हम मांग करती है कि उस बालिक को माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दें या कम से कम 15 लाख रुपये का मुआवजा दें ताकि वह अपने तंगी से बच सके और आगे फिर वह अपना जीविकोपार्जन जो है अच्छे तरीके से चला सके। अपनी मानदेय की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने किया। धरने के दौरान संगीता आर्या, मालती देवी, किरण यादव, पिंकी गुप्ता, किरण वर्मा, रागिनी जायसवाल, सीमा यादव, माया विश्वकर्मा आदि मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा, गीतांजलि मौर्य आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष। ये आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले आज से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू हो रहा है। ये धरना अनिश्चितकाल है, जब तक सरकार घोषणा नहीं करती है तब तक हमारा ये धरना चलेगा। पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को मैदानी क्षेत्रों का मौसम बदल गया। कोहरे की चादर, बर्फीली हवा और घने बादल के कारण सुबह हाड़ कपाती ठंड रही। कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेदम कर दिया। मंगलवार की सुबह बड़ी आर्द्रता में तेज रफ्तार हवाओं के कारण गलन में इजाफा हो गया। सुबह 10 बजे से कोहरा छटने लगा। दिन में धूप खिली, वहीं मौसम में अचानक बदलाव को लेकर किसानों में खुशी दिखी, वहीं राहगीरों को कुछ दिक्कतें हुईं। कोहरे की वजह से जमीन में नमी रहने के कारण फसलें अच्छी होंगी, पैदावार अच्छा होगा, लेकिन सुबह ड्यूटी और अपने निजी कार्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राहगीर सच्चिदानंद पांडे और किसान राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, कौड़ीराम के आगे से आ रहे हैं वस्तुपार से, और कोहरे में जो है दिखाई नहीं दे रहा है। किसी तरह से मतलब धीरे धीरे गाड़ी चला के आ रहे हैं। इस कोहरे से फसलों को कितना फायदा मिलेगा? अब कोहरे से फसल को अभी तो नहीं बता पाएंगे हम, नुकसान है कि फायदा है। राजेंद्र प्रसाद यादव हरदिया। ऐसी बात है बाबू कि इस यह फसल ही करती 90% हर फसल करती फायदा है। जितना ये रबी वाली फसल है, गेहूँ, जौ, मटर, चना,
कुहरा है इसलिए फायदा है। इसके पहले कोहरा नहीं पड़ रहा था तो किसानों को मतलब क्या दिक्कत हो रही है? किसानों की दिक्कत थी कि किसानों की फसल बढ़ती नहीं थी, जहाँ की तहाँ पड़ी थी। कोहरा नहीं पड़ेगा तो फसल बढ़ेगी नहीं। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। नेपाल बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष चौकसी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने दी जानकारी। तहसील बांसगांव के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। 99 में से 3 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निस्तारण की गुणवत्ता की जांच। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला बाइक जुलूस। 6 फरवरी से होने वाले महाहड़ताल में शामिल होने की अपील। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद को सुनकर समस्याओं का किया गया निस्तारण। 6 रोग मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा जागरूकता कार्यशाला का महापौर और जिला 6 रोग अधिकारी ने किया उद्घाटन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने निकाला मशाल जुलूस। 12 को मोटरसाइकिल रैली तथा 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ की दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी के ऊपर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर किए गए अभद्र टिप्पणी का युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का दिया तहरीर। छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। किया पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग। ओबीसी कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण सहित 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। चौरी चौरा शहादत दिवस पर अमर बलिदानी भगवान अहिर व शहीद भगत सिंह को किया गया याद। भगवान अहिर के प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि किया अर्पित। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण के सर्द हुआ वातावरण। राहगीरों को हुई कुछ दिक्कतें। किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।